बस आनंद से सुनिए, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ये मत देखिए, लेकिन वो एक आनंद में आपको प्रवेश करा देगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका कितना टर्नओवर की कंपनी है, आप किस नौकरी पे हो, आप अपनी पत्नी के साथ आए हो या किसी और की के साथ आए हो, सब भूल जाइए आप। हालांकि दूसरी वाली बात भूलने लायक नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप, क्योंकि जो कवि आ रहा है वो आपको ऐसे बैराग में डाल देगा कि आप कहोगे कि वाह जानी बैरागी क्या बैराग पैदा करा है। पहले भी वो यहाँ आता रहा है और गुजरात में तो बड़ा ही प्रिय है, मध्य प्रदेश में वो रहता है और पूरे भारत में सफ़र करता है। जानी बैरागी बड़ा मनहर बड़ा प्रिय कवि है और सबसे बड़ी बात है बड़ा संस्कारशील है, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों के प्रति, उन सब के प्रति समर्पित है, इसीलिए माता सरस्वती की उस पर विशेष कृपा है। कविता का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्मानंद, बाकी सब योजनाएं, छंद रस अलंकार कथ्य सब योजनाएं हैं। अगर कहे कुछ बिना, कुछ सुने बिना, कोई बात कहने से आनंद आ जाए तो वो कविता हो जाती है अपने आप में। इस दृष्टि से वो उत्तम कवि है, ये मैं पीएचडी करने के बाद 17 साल विश्वविद्यालय पढ़ाने के बाद कह रहा हूँ, इसलिए जानी बैरागी को अब किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए जानी बैरागी का, बड़ा प्रिय कवि। अब ये लड़का गांधीनगर से आया तो उसकी थकान दूर करने के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, बाकी तो कर ही लेगा। हाँ आओ। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, आप इतना लोड मत लो। मैं अभी कविता जी को आप सुन रहे थे, जिनके लिए अजय देवगन ने रिकमेंड करी कि इनका वो जो गीत है वो सोनाक्षी सिन्हा गाएगी, मेरे लिए किसी ने रिकमेंड नहीं करी है, और मैंने अजय देवगन को तत्काल साफ दे दिया कि मरते दम तक ये जो तेरी पत्नी है ना काजोल, इसके दिल में शाहरुख खान धड़केगा। आपको मेरी तरफ रहना है, आपको ताली नहीं बजाना है, हाथ दोनों खड़े नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कविता जी की ऐसी देशभक्ति की कविता से बेशक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाते डॉक्टर साहब, दिक्कत ये है कि कई दिनों तक रोंगटे बैठते ही नहीं है। अब रोंगटे बैठे नहीं तो कितनी दिक्कत आती है कपड़े लत्ते पहनने में, इसलिए मैं ऐसी कोई दिक्कत पैदा नहीं करूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये जो गुजरने वाली बार बार से ट्रेन गुजर रही है, शायद वो ट्रेन ये कह रही है कि यहाँ पे नीचे बैठे लोग भी बहुत बुद्धिजीवी और बड़े लोग हैं, और जो मंच पे बैठे हुए हैं ये भी बहुत बड़े लोग हैं। वो यही कह रही है कि एक बार पहले मैं गोधरा में जल गई हूँ, अब मेरे को इस देश में नहीं जलाए तो अच्छा है मेरे भाई। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है आप एक एक करके जाइए, आप पढ़े लिखे लोग 5-5, 10-10 एक एक साथ जा रहे हो भीड़ के झुंड के झुंड। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोलीकांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए झुंड के झुंड, कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए, पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाओ, आप आराम से जाइए। दो जने एक साथ हमारे बीच में आ गए, एक जना भी चाय दे सकता है इस देश में, अकेले आदमी ने चाय वाले ने पूरे दुनिया को कर रखा, आप दो की क्या जरूरत है यहाँ पर है? नहीं, हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल में डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया, फिर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है, भैया कह रहे थे सर, कह रहे थे डॉक्टर साहब बोले ये गांधी वहां चला गया और वहां से यहाँ आ गया और इसने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत हारने का क्या मतलब इसमें? डिजिटल खिलकी वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े भावुक हो रहे थे हमारे एक निमंत्रण पे, सारे बड़े कवि यहाँ पे आ गए, इसमें भाई जिसने जितना पैसा मांगा इतना दे दिया तो आ गए, इसमें कौन सी नई बात, इसमें कोई धन्यवाद नहीं। मैं गांधी धाम वहाँ गांधी नगर गया और वहां से यहाँ आ गया, अरे मेरे पास में कार थी, ड्राइवर था, कोई पैदल थोड़ी आया क्या, मैं आ गया और मेरे को मुंह मांगा पेमेंट दिया अगले ने, तो मैं तो आ गया उसमें क्या, और ये सारे आ जाते हैं। आप इनके देशभक्ति पे ध्यान देना मत, ये सुधीर भैया 4-6 दिन पहले पेमेंट में खाली 3,000 कम कर दिए तो तू तड़ाक पे आ गया अगला आदमी, हमारे को कोई लेना देना नहीं है इन देश के। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे देश के इतने बड़े मेरे को कितना प्यार करता है, मैं भावुक हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जैसे आदमी को डॉक्टर साहब प्यार करते हैं। ये सुदीप भाई उस पर कौन सा वो नेताजी लपेटे में आता है, हजारों सैकड़ों बार आप लोगों ने देखा है। राजीव भैया बहुत बड़े गीतकार हैं, सुमन जी बहुत बड़ी, और कविता जी का पूरा देश दुनिया में बोलबाला, डॉक्टर साहब आज पूरी देश दुनिया में है। मैं बहुत छोटा कवि हूँ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
कि मैं छोटा क्यों, भाई मैं पैदा ही बाद में हुआ तो मैं क्या करूँ भाई, ये तो मेरे माता पिता की गलती कि उन्होंने मेरे को बाद में क्यों पैदा करा। अब ये बड़े हो पैदा हो इसमें कोई अच्छा, ये डॉक्टर है कोई क्या है, तो इसमें कौन सी नई बात है भाई, मैं गांव का रहने वाला बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, ये इतने पढ़े लिखे इसके बाद भी कर क्या रहे, कर तो वही रहने जो मैं कर रहा हूँ। जब यही करना तो इतना लोट लेने की क्या जरूरत है, है भैया माइक वाले से कहा इन्होंने, कविता जी ने बोले इसमें से साउंड, ये साउंड फट रहा आपका, ये वाइब्रेट हो रहा है, वो गूंज रही आवाज गूंज रही, तो भैया के बोले आजू बाजू में बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग से गूंज रही, तो अब क्या बिल्ड भाई आवाज गूंज रही, देश में जिसकी आवाज गूंजेगी उसकी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, वो कंगना रनौत की आवाज गूंजी तो उसका टापरा तोड़ दिया वहां पे, उसको पद्मश्री दी डॉक्टर साहब अभी, अच्छा कंगना रनौत को, अब पद्मश्री जैसे ही दी तो मारो पूरे देश में हाहाकार मची मोबाइल के अंदर, ओरिजिनल में थोड़ी हाहाकार मची, मोबाइल में मची सोशल मीडिया पे, अरे बोले इसको पद्मश्री, इसको पद्मश्री, और मार उसके ऐसे ऐसे फोटो डाले, तो उसके जो समर्थक थे उनका भी दिमाग खराब हो गया, उन्होंने भी तत्काल मोबाइल में दूसरा फोटो डाल दिया, वही जो एक है गांधी जी और नेहरू जी का सिगरेट पीते हुए, जैसे नेहरू जी का वो फोटो डाला तो इन्होंने फिर दूसरा डाल दिया आदित्य पंचोली के साथ मैडम को नहाते हुए, हालांकि आपने भी देखा होगा, ये हमारी मर्यादा है कि हम बोल, आप बोल नहीं रहे पर बाकी देखा सबने, इस देश के अंदर यही हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। भैया ने सबने बताया कि ये 100 वर्ष कवि सम्मेलन के पूरे हो गए हैं और वाचिक परंपरा में देश के अंदर 100 वर्ष पूरे हो गए, उस पर डिजिटल खिड़की को लेकर के हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के अथक प्रयास से इस देश के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए एक बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, और ये सारी बातें 8-10 दिन पहले इन सारे कवियों को पता चली तो सारे कवि बहुत गदगद हो गए, और अभी तक ये गदगद ही हैं, इन्हें तब गदगदापना खत्म होगा जब अगली टीम में इनका नाम नहीं होगा। मैं बिल्कुल गदगद नहीं हुआ, क्या मतलब है गदगद कब तक रहे अपन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन कम बड़े कवियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, ये कोरोना की बात हुई सुदीप भाई और सब, कोरोना वोरोना में कोरोना ने हमें तटस्थ रहना सिखाया कि आप तटस्थ रहिए, 2 वर्ष के कोरोना ने हमें इतना तटस्थ कर दिया कि हमने 2 साल में एक लाइन नहीं लिखी, और जो भी सुनाएंगे वहां पे पीछे से इतनी खतरनाक दाद मिलेगी जैसे अभी लिखी हो इन्होंने, आप इनके हाव भाव इतने खतरनाक जैसे कमाल का हाव भाव है, ऐश्वर्या राय युक्तामुखी लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती, हमारे संस्कारों को कहां रौंदा गया, हमारी माता बहनें यहां पर बैठी हुई है, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती, अरे ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है, विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी, विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पर कूदना पड़ता है, विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता क्या आगे आई ना तक टूट, आपकी तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े करके वापिस जल्दी से नीचे करो हाथ, आप अभी हाल यहां से बांह फट गया, नुकसान किसका भाई, पद्मिनी भी चली गई और सब ये भी चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं, मैं आपके बीच में रूस और रशिया आ जाओ भाई साहब, मेरे को ऐसा ये वाइब्रेट हो रहा, तो मेरे को भी पता नहीं चल रहा, अभी मैं भैया बता रहे थे सर कि मैं पहले भी आपके बीच में आया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ गांधीधाम में, और पहली बार इसलिए आया क्योंकि मेरे को बुलाया ही पहली बार, भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये कई बार आ चुके हैं और मेरे को आप ध्यान से सुन लेना, इनको आपने टीवी चैनल वगैरह पे सुनते रहते, मेरे को आपने कहीं भी मैं सुनने के लिए नहीं मिलूँगा, और मैं चैनल वगैरह पे इसलिए भी नहीं जाता हूँ कि वहाँ जाने के बाद भी आना तो जब यहीं है, जब यहीं आना है तो फिर इतना दूर करने से क्या मतलब है, तो आप मेरे को ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया, यूक्रेन और क्या बोले रूस का युद्ध चल रहा है, भयंकर खतरनाक बमबारी हो रही है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि थोड़े बहुत तो 2-4 दिन के लिए तो इनके पास में बम खत्म होते होंगे कि नहीं होते होंगे, अच्छा वो बम खत्म भी हो जाए तो चैनल वाले खत्म नहीं होने देते, ये फेंकना बंद कर दे तो चैनल वाले चालू कर दे फेंकना, और फेंके ही जा रहे हैं, हमारे नीरज जी ने बहुत पहले लिखा कि ए भाई जरा देख के चलो,
आगे ही नहीं पीछे ही नहीं, आजू बाजू सब तरफ देख के चलो। तो ये जो महाशक्तियाँ हैं, इन्हें शायद देखना चाहिए आजू बाजू में कि तुम दुनिया के भगवान हो, परंतु तुमने उस छोटी मुनिया के खिलौने तोड़ डाले हैं, तुमने फिजाओं में इतना जहर घोल दिया है मेरे भाई। मैं उन लोगों के खिलाफ एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ, मेरी नई कविता इन दिनों के भाई साहब सुनाएंगे डॉक्टर साहब। हालांकि ये इस तरह की कविता मेरे को नहीं सुनाना चाहिए, पर अब क्या करूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। हाँ वापस गया यार, ये तो वो के वही है। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि कविता का जो हमारी जो जड़ है, ये गुजरात को लेकर के इतनी सारी बातें हुई भाई, मैं गुजरात में इसलिए कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ कि गुजरात वही है जो ये है। इस पे इतनी वाक्य करने से मतलब यार, भगवान श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलते थे ब्रज में और वो योगेश्वर बने, उन्होंने गीता कही, महाभारत युद्ध करवाया, तो इस गुजरात ने उन्हें यहाँ पर बुला करके द्वारकाधीश बना दिया। ये वो गुजरात है जो घुटनों के बल चलने वाले भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर को द्वारकाधीश बनाता है। और ये गुजरात, यहाँ गुजरात की सेटिंग तो मेरे को तो लगता है कि भले तुलसीदास जी के टाइम से 500 साल से, आप पूरी रामचरित्र मानस पढ़ लो, राम कथा के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग है। सुंदरकांड में बाबा तुलसी ने लिखा कि अमित नाम भट कठिन कराला, 500 साल पहले लिखा गया कि अमित नाम का एक भट आएगा, अमित नाम भट कठिन कराला, जो भटाभट मारेगा भी सही। अगले आदमी 500 साल पहले लिख के चला गया, श्री रामचंद्र नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, यानी कि जिनकी आंखें भी कमल, चरण भी कमल, हाथ भी कमल, पांव भी कमल, इतने सारे कमल तो 500 साल पहले तुलसी ने वहां पर फंसा दिया, क्या बचा। हम आज प्रचार कर, ये तो बहुत पहले से ही चला रहा है।